ये देख लो पूरी की पूरी टूटने को आई है, सिर्फ दो थ्रेड बाकी है इसके। ये बजाज का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी दी है। पहले यहाँ पे दो नट्स रहते हैं, इनको 12 नंबर की स्पैनर से हम लोग लूज करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है क्लच केबल, और मेरी क्लच आपको दिखाता हूँ। ये देख लो पूरी की पूरी टूटने को आई है, सिर्फ दो थ्रेड बाकी है इसके, इसीलिए मैंने ये क्लच केबल लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जल्दी से चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या चेंज करना है इसको। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये बजाज का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी दी है। ठीक है, सो गाइस, चेंज करने के लिए यहाँ पे दो नट्स रहते हैं, इनको 12 नंबर की स्पैनर से हम लोग लूज करेंगे। एक बात गाइस, ये जो पोर्शन है ये मैंने इसके साथ गलती से निकाल लिया था, ये मैंने फिर से लगाया है।
तो आप भी ऐसी गलती मत करना। इसको वैसे ही रखना है और सिर्फ केबल को हटाना है और फिर से इसको नहीं तो इंस्टॉल करना है। तो मेरा अभी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो गाइज अभी जो केबल चेंज की वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, तो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी बाइक के साथ करता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी घर पर ही ऐसे काम कर सकते हो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Pieces left uncovered, I'm thinking about four.